नमस्कार, आज हम बात करेंगे फ्रेश पानी जो कि दुनिया में मिलती नहीं है, कैसे घर में या किसी भी जगह में, वेदर आप डिजास्टर रिकवरी सेंटर में हो या आप फंस गए हो अंडरग्राउंड सिप में, फंस गए हो जंगल में, फंस गए हो, कैसे आप ताज़ा पीने लायक पानी बना सके। मतलब जो वाटर हम, मैं यूके में रहता हूँ, वो यूके का वाटर पीने लायक होता नहीं है, तो इस कारण हमें इसमें जाना पड़ा। तो वाटर मैं एक तरीका यूज़ करूँगा, पर अगले वीडियोज़ में यदि आपको पसंद आया तो मैं आगे तरीका, यानी पानी किसी भी तरीके से बना सकते हैं। आप फूलों से भी बना सकते हैं, थोड़ा प्रोसीजर अलग है। यदि आप ईड खाने लायक, ये जो रोज़ है, ये सब खाने लायक फूल हैं, तो इससे आराम से बन जाता है। कुछ जो खाने लायक नहीं उनसे भी बनता है, पर उसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट है। हवा से भी बन सकता, हवा से भी पानी बन सकता है, और मैं काफ़ी आसान तरीके से बताता हूँ। तो आप घर के सामान से ही किसी तरह आप वो हम बना के आपको दिखाएंगे कि हवा से पानी कैसे बनेगा। आप कचड़े से भी बना सकते हैं, जैसे कि एवोकाडो का सीड्स है और एवोकाडो का स्किन है। अगेन पत्तों से भी बना सकते हैं। हाँ, पत्तों से ही ध्यान आया कि आप, पेड़ बहुत ही अच्छी चीज़ है, यानी देखा जाए तो पेड़ काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, राइट। तो पेड़ के रूट्स काफ़ी डीप होते हैं, यानी 30 से 60 फुट दूर होता है पेड़ का रूट, तो उनका गहराई बहुत होता है। तो कितनी भी गर्मी क्यों ना हो, पेड़ पानी एक्स्ट्रा कर ही लेता है, क्योंकि वो 60 फुट, इनफैक्ट और ज़्यादा गर्मी होगी तो पेड़ का जड़ें और भी नीचे जाती है, ठीक है। पेड़ का जड़ें खाली नीचे भी नहीं जाती है, वो फंगस नेटवर्क से भी बात करके लाख किलोमीटर दूर से भी पानी एक्स्ट्रैक्ट कर सकते हैं। फलों से भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कुछ फल खाने लायक नहीं होते, जैसे कि ये एप्पल गिरते रहते हैं, पर ये छोटे एप्पल है तो खा नहीं सकते, इससे पानी एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। ये स्ट्रॉबेरी है, अगेन इसको खा नहीं सकते हैं, तो सॉरी खाने लायक है पर इतना होता है कि खा नहीं सकते, क्योंकि यदि एक बार आप पेड़ लगाने लगे तो इतने फल आएंगे कि, तो इसको ड्राई कर लीजिएगा तो ये सालों रह सकते हैं। आप ये डिजास्टर रिकवरी सेंटर में रख सकते हैं, जो कि हम लोग रख देते हैं अपने डिजास्टर सेंटर में। पत्ते, ये सूख कैसा बन जाता, अगेन ये सालों साल रहेंगे ख़राब, पत्तियाँ ऐसे बन जाती है। तो आज हम बात करेंगे रेन वाटर, यानी रेन वाटर हार्वेस्ट। रेन वाटर के भी बहुत तरीके होते हैं, तो हम काफ़ी आसान तरीके का बात करेंगे। पीने लायक पानी, जैसे यूके में बोल चुका हूँ मैं कि पीने लायक पानी मिलता नहीं है। जो टैप वाटर है, नलका का पानी जो आता है, वो पीने लायक होता नहीं, उसमें काफ़ी केमिकल्स होते हैं, मेडिसिन मिला रहता है, टेफ्लॉन, काफ़ी सारे डेंजरस केमिकल, पोल्यूशन, पैथोजेंस, क्या क्या नहीं रहता। बॉटल पानी तो पी नहीं सकते, इसमें इतने माइक्रोप्लास्टिक, तो खाली ये बॉटल का पानी पी सकते हैं जिसका 145 रुपये पर लीटर दाम है यूके में, या 1.5 पाउंड। सो इतना तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ, तो इसकी चक्कर में मैं इसमें पहुँचाऊँ। तो पैस्चराइजेशन की बात ध्यान रखिएगा, तो बहुत ही आसान तरीका है। हम ये जो पानी करेंगे, यानी कोई भी घर के जितने बर्तन आप देख सकते हैं कि मैं बर्तन ऐसे सजा के रख देता हूँ, ये अपने गार्डन में, ये रूफ़ में भी हो सकता है। रूफ़ को साफ रखना पड़ेगा, क्लीनलीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं पैस्चराइजेशन करता हूँ, तो पैस्चराइजेशन के आने के बाद अब जब पानी गिरेगा तो इसमें जम जाएगा, और मैं इसको फिर अलग अलग मैं रख लेता हूँ जार में भर के, इसको फिल्टर करके, तो इसको अलग अलग करके पैस्चराइजेशन, यानी ये एक चीज़ ग्लास का बॉटल होता है, किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो इसको टेम्परेचर हमें चाहिए 72 डिग्री फॉर 15 सेकेंड।
यानी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए धूप को कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। आप अल्युमिनियम फॉयल यूज़ कर सकते हैं, चमकीला जो हार्वेस्टिंग वाटर है उसी को आप ऐसे ऐसे करके आप धूप को कॉन्सेंट्रेट कर दीजिए इस वेसल पे, ताकि इसका टेम्परेचर, आप थर्मामीटर यूज़ कीजिए ताकि इसका टेम्परेचर 72 डिग्री हो जाए। यदि आप कुकिंग के लिए यूज़ करते तो पैश्चराइजेशन की ज़रूरत नहीं होगी, तो आप अलग अलग करके रख सकते हैं। आप कर सकते हैं कि ये जो बॉटल की वाटर है ये पैश्चराइज वाटर है तो ये आप पी सकते हैं, पर ये जो कंटेनर का वाटर है ये पैश्चराइजेशन नहीं किया हुआ है, यानी आप इसके सिर्फ कुकिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तो बहुत सारे बीमारियां फैलते हैं बाहर में। तो ये हो गया। हाँ, अभी जब पहला बारिश गिरता है, राइट, तो आपको ध्यान रखना है कि जब बारिश गिरता है तो काफ़ी कचड़ा ये सांस भी लेने लगे, तो आपको ऐसे कपड़े का यानी टिशू पेपर यूज़ नहीं कीजिएगा। टिशू पेपर में कंटामिनेशन होता है, इसमें केमिकल्स मिलाए रहते हैं, और एक डाइऑक्सिन जो पेपर जब बनता है तो उसमें नेचुरली ऐसा केमिकल बनता है जो कि ह्यूमन के लिए हानिकारक होता है। तो कॉटन का सस्ता कपड़ा यूज़ कीजिए, मैं तो इससे फाड़ दिया करता हूँ, तो काफ़ी सस्ता पड़ता है। इससे आप पहला बारिश जब बारिश गिरने लगे तो आप उसको थोड़ा टर्न कर दीजिए, थोड़ा गिरने दीजिए, फिर मैं उसको टर्न कर देता हूँ, और थोड़ा बारिश होता तो मैं सबको थोड़ा सा पोंछ देता हूँ, ढेर सारे ये रखता हूँ घर में, धोते रहता हूँ ताकि ये सूखा के इसको क्लीनिंग, ये ना भी सूखे तो भी चलेगा, आप पुराने पानी से इसको धो सकते हैं, उससे आप पोंछ सकते हैं, फिर भी पैश्चराइज हो ही रहा है। मैं ग्रास में करता हूँ तो इससे स्प्लिटर नहीं होता है, पर आप ब्रिक्स यूज़ कर सकते हैं, रूफ़ यूज़ कर सकते हैं, ग्रेविटी क्लीनिंग। तो अभी तो ये हो गया, अभी मैं इसको ऑटोमेट भी करने वाला हूँ। तो हम लोग क्या बनाने वाले हैं कि पकड़ लीजिए, मैं सीमेंट का एक टंकी बनाऊंगा जिसमें कि ये एक कैप रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा, ये बेसिकली एक स्टील का कैप रहेगा ऐसा, ठीक है। जब पानी गिरेगा तो अपने आप खुल जाएगा, थोड़ा देर बाद अपने आप खुल जाएगा, और जब इसको पैश्चराइजेशन की ज़रूरत होगा तो ये अपने आप सूरज की नौकीलों को इसमें कॉन्सेंट्रेट करेगा अपने आप, देखिए ये एंगल से अपने आप करेगा। तो ये टंकी जो बना है सीमेंट और ईंटों से, ईंट और सीमेंट से जो टंकी बनेगी इसमें, तो ये ऑटोमेटिकली जब भी बारिश गिरेगी थोड़ा देर वो छोड़ देगी बारिश को, उसके बाद वो अपने आप ऐसा तो ढका रहेगा, उसके बाद खुल जाएगा, खुलने के बाद वो वापस से बंद हो जाएगा, जब सूरज आएगी तो उसको वापस से खुलेगा और इसको पैश्चराइज कर देगा। पैश्चराइजेशन यानी 72 डिग्री 15 सेकंड के लिए। ध्यान रखिएगा पैश्चराइजेशन बहुत ही ज़रूरी है, यदि नहीं है तो बहुत तरीके हैं, मैं आगे भी कवर करता रहूँगा। अब देखते रहिएगा हमारा चैनल, ये कुछ भी हो जाए आपकी पूरी ज़िंदगी 140 साल यंग और फिट रखने में हम आपको मदद करेंगे। आपको पैसे की ज़रूरत है, पानी की ज़रूरत है, खाने की ज़रूरत, कुछ भी ज़रूरत हो, ये वीडियो फ्री में भी आपको प्रोवाइड किया जाता है, आप अफोर्ड नहीं कर, पर यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कृपया करके इस योगदान दें, जितने आपको लगे इस वीडियो का वर्थ है, ये आपकी ज़िंदगी बचा सकता है। बाहर के पानी पीने लायक नहीं होता है, हम आपको नॉट ओनली इमरजेंसी सिचुएशन में पानी बचाने पर डे टू डे यूज़ में भी आप पानी जनरेट करके अपना पैसा की बचत कर सकते हैं। अब विदा लेना चाहूँगा, अगले वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो तो ज़रूर लिखिए नीचे कमेंट में, और आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, यदि अफोर्ड करना चाहते हैं, सिर्फ यदि अफोर्ड कर सकते हैं तो कंट्रीब्यूट करना चाहते तो भी कमेंट कीजिए, तो आपको अकाउंट डिटेल भेज दिया जाएगा जहाँ पर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ताकि मैं और भी अधिक, हमारा मानना है कि कोई भी इंसान को किसी भी सिचुएशन में हो हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे, जो भी मदद हो सके, जो भी मदद बन सके वो हम करेंगे। मिलजुल कर एक दूसरे को हेल्प कीजिए, प्रॉब्लम के समय एक दूसरे का हेल्प करना से ही आप आगे बढ़ेंगे। नमस्कार, बाय।